हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की प्रयास वर्क बुक 2024-25 के कार्य पत्रक 14 से लेकर कार्य पत्रक 17 तक सॉल्व करना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कार्य पत्रक 1 से लेकर कार्य पत्रक 13 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्य पत्रक 14 हम सीखेंगे 2 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ बना पाना, यानी 2 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना हम सीखेंगे। पहला प्रश्न है कि रेखा खींचकर यानी लाइन खींचकर और दहाई 10 का बंडल बनाते हुए जोड़ कीजिए। देखो जैसा कि यहां पर दिया हुआ है 8 + 7, तो हमने पहले कितनी लाइन खींची, पहले हमने 8 लाइन खींची, फिर हमने कितनी लाइन खींची, 7 लाइन खींची, फिर हमने क्या किया, दहाई 10 का एक बंडल बना दिया। और तो देखो 10, ये 10 हो गया, 10 का बंडल बना दिया, पीछे कितनी बची, 5, ये लिख दिया 5। अब इसमें देखो इकाई का अंक कितना है, 5, और दहाई का अंक कितना है, 1, तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो इसी तरह दूसरा, 6 + 5, तो 6 + 5 हमने 10 का एक जोड़ा बना दिया, ये 10 का जोड़ा बन गया, पीछे कितना बचा, 1, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। इसी तरह 9 + 5, तो पहले कितनी लाइन खींचनी है, पहले आपको 9 लाइन खींचनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितनी खींचनी है, 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, 10 का बंडल बनाना है, तो ये 9 तो ये और 1 ये कितनी होगी, 10, पीछे कितनी बची, 4, तो इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 1, 1 4 14। फिर देखो इधर 11 और 5, तो 11 लाइन पहले खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 10 का जोड़ा बढ़ाओ, तो ये 11 में से 10 का जोड़ा हमने बढ़ा दिया, ये लिख दिया 10, पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दी 6। अब देखो इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 1, फिर देखो 12 + 4, तो 12 लाइन खींचनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का जोड़ा अलग हो गया, 11 12, फिर 4 और, 1 2 3 4, ये देखो 10 का जोड़ा बन गया, ये लिख दिया 10, पीछे कितनी बची, 6, तो इधर 6 और 1। फिर देखो 9 + 6, कितनी लाइन खींचनी है, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, 10 का जोड़ा बनाओ, तो 9 ये और 1 ये, 10 बन गई ये, पीछे कितनी बची, पीछे बच गई 5, तो देखो इकाई का अंक 5, दहाई का अंक 1। फिर 8 और 7, पहले कितनी लाइन खींचनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 का जोड़ा बना दो, 8 ये और 2 ये, कितनी होगी, 10, पीछे कितनी बची, 5, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। फिर 13 + 5, कितनी लाइन खींचनी है, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का जोड़ा हो गया, फिर 11 12 13, फिर 5, 1 2 3 4 5, ये देखो 10 का बंडल बन गया, पीछे कितनी बची, पीछे बच गया आपकी 8, इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1। फिर 17 + 2, पहले कितनी खींचनी है, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का जोड़ा, फिर 11 12 13 14 15 16 17, और फिर 2 और 1 और 2, यहां पर देखो ये 10 का जोड़ा बन गया, पीछे कितनी बची, 9, तो इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 1। फिर 16 + 4, पहले कितनी खींचनी है, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16, फिर 4, 1 2 3 और 4, तो देखो ये 10 का जोड़ा बन गया और एक 10 का जोड़ा ये बन गया, 10 के कितने जोड़े बन गए, 2, यानी कि दहाई का अंक कितना हो गया, 10 और 10 20 होगी, और इकाई का अंक कितना है, 0, तो इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 2, तो कितना हो गया, 20 हो गया। फिर दूसरा देखो, रेखा की मदद से क्या करना है, घटाव करना है। देखो 11 में से 5 कम करने हैं, तो हमने पहले कितनी लाइन खींची, ये 11 लाइन,
उसमें से कितनी काट दी? हमने 5 लाइन काट दी, पीछे कितनी बची? 6। इसी तरह 12 माइनस 9, पहले कितनी लाइन खींच ली है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी कम करनी है? 9। तो 9 कम करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीछे कितनी बची? 3। फिर 16 में से 8, पहले कितनी खींचनी है? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी कम करनी है? 8। 8 कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे कितनी बची? पीछे बची देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी कम करनी है? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पीछे कितनी बच गई? 4। फिर 18 माइनस 7, 18 खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी कम करनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे कितनी बचेगी? 11। फिर 17 में से 4, 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 13। आप लाइन खींच के कर लेना, 15 में से 4 तो 11, 16 में से 3 तो 13, 16 में से 3 तो 13, 15 में से 5 तो कितना बचेगा? 8, 14 में से 10 4, 15 में से 14 1। आप चाहे तो लाइन खींच के लिख लेना, मैंने बता दिया कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, कार्य पत्रक 15। 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ और घटा, वही रेखा की मदद से जोड़ कीजिए। सबसे पहले देखो 8 और 5 को जोड़ा, पहले हमने कितनी लाइन खींची? 8 लाइन। फिर कितनी खींची? 5। फिर हमने क्या किया? एक 10 का जोड़ा बना दिया, 10 का जोड़ा बना दिया, पीछे कितनी बच गई? 3। तो इकाई का अंक कितना लिख दिया? 3। और 10 दहाई का अंक था, तो 10 में से दहाई का अंक कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह देखो दूसरा, 15 प्लस 5, पहले कितनी लाइन खींचनी है? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर कितनी खींचनी है? 5। 1 2 3 4 और 5, देखो 10 का जोड़ा बना दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक बन गई 10। और फिर देखो 1 2 3 4 5, ये वापस बन गई 10। तो 10 10 के 2 जोड़े बन गए, तो 10 10 के 2 जोड़े यानी कि कितनी होगी? 20। कितनी होगी? 20। तो 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20 हो गया। फिर 22 प्लस 7, तो पहले कितनी खींचनी है? 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का जोड़ा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर देखो 10 का जोड़ा, 10 का जोड़ा, 10 10 के 2 जोड़े बन गए, है ना? यानी दहाई का अंक कितना हो गया? 2। ये कितने हो गए? 20। और एक और देखो पीछे कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इकाई का अंक कितना? 9। दहाई का अंक कितना? 2। तो कितना हो गया? 29। फिर 19 प्लस 9, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होगी? 19। फिर 9 और, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो देखो 10 का जोड़ा ये बन गया। फिर 10 का जोड़ा आपका ये बन जाएगा, 9 और 1 10, पीछे कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पीछे बची 8, तो इकाई का अंक 8। 10 10 के 2 जोड़े बने, यानी दहाई का अंक 2। ठीक, इसी तरह 18 प्लस 3, तो देखो 8 और 3, 8 और 3 कितना होगा? 11। 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। फिर 6 और 6 कितना? 12। 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3। 7 और 5 12। 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2। आप चाहे तो लाइन खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने समझा दिया है। दूसरा, रेखा की मदद से घटाइए। देखो 14 में से 6 कम हुई तो कितनी आई? 8। अब 19 में से कितनी कम करनी है? 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी कम करनी है? 5। 1 2 3 4 और 5, पीछे कितनी बची?
पीछे बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लिख दिया 14। 25 में से 8 कम करने, पहले कितने गिनने, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने कम करनी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पीछे कितनी बचेगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पीछे बच गई 17। फिर 21 में से 19, पहले कितनी खींचनी है, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितनी घटानी है, 19। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी बची, 2। आगे देखो 22 में से, सॉरी 17 में से 7, 17 में से 7 कम हुई, पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे लिख गया 10। फिर 22 में से 9, 22 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो कम करनी है, आगे देखो 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 9 तो देखो क्रॉस हो गई, पीछे कितनी बची, पीछे बची वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी बच गई, 13। फिर 18 में से 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो कम करनी है, फिर 12 13 14 15 16 17 18, तो 11 क्रॉस हो गई, पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। फिर 24 में से 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 15 कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, पीछे कितना बचा, 9, ठीक है। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 16, संख्या रेखा पर 2 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर पाना, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। देखो 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15, तो सबसे पहले हम कहां से चले, 0 से लेकर कहां तक चले, 7 तक, फिर जोड़ना है तो हम 8 स्थान और आगे चले, जब हमें जोड़ना होगा तो हम इस दिशा में चलेंगे प्लस करने के लिए, और जब घटाना होगा तो हम पीछे की तरफ चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें जोड़ना है तो हमें 8 स्थान और आगे चले, तो हम कहां पर पहुंच गए, आपके पहुंच गए 15 तक, 7 में 8 जोड़ा तो 15। फिर देखो 7 में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो पहले 7 तक चलना पड़ेगा, तो ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, तो यहां पर हम चल गए 0 से लेकर 7 तक, आगे कितना है, 6 और चलना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना, इधर देखो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, तो यहां पर कितना उत्तर आ जाएगा, यहां पर उत्तर आ जाएगा 13। फिर देखो 9 प्लस 7, तो देखो ये 5 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा आपका, 9, सबसे पहले चले 9 तक, 9 से आगे कितना चलना है, 7, तो 9 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक, यहां पर कितना होगा, 16, कितना हो जाएगा, 16। फिर 15 प्लस 8, तो 5 10 और 15, पहले हम कहां तक चलेंगे, 15 तक, ये चले 15 तक, फिर कितना चलना है और आगे, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां तक, तो देखो 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, कितना हो जाएगा, 23। फिर 16 प्लस 7, तो यहां पर देखो 5, यहां 10 या 15 या 20, 16 कहां पर है, यहां तक, तो हम पहले 16 तक चलेंगे, ये चल दिए 16 तक, फिर आगे 7 और, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक, कितना हो जाएगा, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 हो गया। फिर देखो 13 माइनस 4, तो पहले हम 13 चले, उससे 4 कदम वापस पीछे चले, तो कितना आ गया, 9। 17 माइनस 8, देखो 5 10 15, और ये हो गया आपका 17, तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, 17 तक,
अब इसमें से 8 वापिस चलना है पीछे, तो देखो 17 से 8 चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। फिर 26 में से 7, तो 5, 10, 15, 20, 25 और इधर हो गया 26। तो सबसे पहले हमें कहाँ चलना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 26 तक चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले चलेंगे हम 26 तक, फिर 7 पीछे आना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कितना हो जाएगा 19। फिर देखो 28 में से 9, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हो गया 28। पहले हम कहाँ तक चलेंगे, पहले हम चलेंगे 28 तक, ये चल दिया 28 तक। अब 9 पीछे चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 19। फिर 18 माइनस 7, तो 5, 10, 15, 20, तो 18 कहाँ पर आएगा, यहाँ तक, पहले हम चलेंगे 18 तक, 7 पीछे चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 17, दो अंकों तक की संख्याओं की जोड़ हासिल सहित समझ बना पाना। ठीक है, देखो जोड़ कीजिए, देखो 8 और 5, बच्चों 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, कितना होगा 13, तो बच्चों 13 के अंदर इकाई का अंक कितना लिखना है 3, और दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है बच्चों इसमें 1, एक जो दहाई का अंक है इसको हम क्या लगा देंगे, इधर हासिल लगा देंगे, क्या लगा देंगे इधर बच्चों, हम लगा देंगे हासिल। तो देखो 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पर कितना लिख देंगे बच्चों 5 लिखते हैं। फिर आगे देखो 5 और 5, बच्चों कितना होता है, 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, देखो बच्चों 10 का इकाई अंक कितना है 0, दहाई का अंक कितना है 1, इधर लिख देंगे हासिल दहाई का अंक, 3, 4 और 1 5, ये लिख दिया 50। फिर देखो 4 और बच्चों 7, कितना होता है 11, 11 में इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 1, ये आ गई हासिल 3, 4 और 1 5। आगे देखो बच्चों 4 और 7 11, 11 का 1, 11 का 1 लिख दिया इधर, 1 बच गया, 1 आ गई हासिल, 3 और 2 5 और 1 6। आगे बच्चों देखो 5 और 6 कितना होता है 11, 11 का बच्चों इकाई का अंक 1 लिख दिया, कितना बचा दहाई का अंक 1 बच गया, इसको लिख दिया इधर, 4 और 2 को जोड़ा 6, 6 और 1 बच्चों 7, 9 और 2 बच्चों 11, 11 का 1 हासिल लग गई बच्चों 1, 4 और 2 6 और 1 7। आगे बच्चों 9 और 4 13, 13 का 3, ठीक है 13 का 3 लिख दिया इधर, हासिल लग गई 1, 2, 3 और 4। 8 और 2 बच्चों कितना होता है 10, 10 का बच्चों 0, हासिल लग गई 1, 1 और 1 बच्चों 2, कितना हो गया 20। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्य पत्रक 14 से लेकर कार्य पत्रक 17 तक हल करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ आज के हमने जो भी कार्य पत्रक हल किए हैं वो सब आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।